आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं जानती हूँ आप लोग मेरा पूरे वाला व्लॉग का पार्ट टू देखने के लिए वेट कर रहे हो। तो एक्चुअली काफी लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बिजी थी और इसी बीच मैं थोड़ा कलकत्ता भी गई थी। मेरे घर में कुछ काम था और बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, इसीलिए बहुत सारा वीडियोस भी शूट की तो मुझे टाइम मिला नहीं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए लेट ही सही, मैं जो पूरी वाला व्लॉग का पार्ट टू आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं आई हूँ ऑफिस से, तो अभी मैं फिलहाल डिनर रेडी कर रही हूँ आज के लिए। तो मैं कर लेती हूँ अपना आज का डिनर रेडी, तब तक के लिए आप लोग मेरा पूरी वाला व्लॉग का पार्ट टू जो है उसको एंजॉय कीजिए। आई होप मेरा पूरी वाला व्लॉग का पार्ट टू आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बोलना मत भूलिएगा कि पूरी व्लॉग का पार्ट टू आप लोगों को कैसा लगा। पूरा अच्छा वाला रेस्ट के बाद अभी मैं निकली हूँ टेम्पल के लिए। तो अभी मैं फर्स्ट जाऊँगी जगन्नाथ टेम्पल, उसके बाद थोड़ा मार्केट घूमूंगी, फिर थोड़ा बीच होके फिर आऊँगी वापस होटल। तो चलिए और लेट नहीं करके जल्दी जल्दी, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, तो अभी जल्दी जल्दी चलेंगे जगन्नाथ टेम्पल। अभी मैं जगन्नाथ टेम्पल के बाहर हूँ फिलहाल, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है और मुझे लग नहीं रहा है कि इतना भीड़ में मैं अंदर जा पाऊँगी, क्योंकि फ़ोन कैमरास कुछ भी अंदर बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। तो वो रखने के लिए जो मतलब जगह है वहाँ का लाइन बहुत ज़्यादा लंबा है और इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तो फ़िलहाल मैं जा पाऊँगी। तो मैं अभी घूमते घूमते मंदिर के पीछे की तरफ आ गई। ये जो सारे आप देख रहे हो ना, ये सारे मंदिर के प्रसाद हैं। ये सब जो लोग मंदिर का प्रसाद बुक कर लेते हैं पहले से, किसी के घर में कुछ फंक्शन हो तो उन लोगों के लिए ये सारे प्रसाद जाते हैं मंदिर से ही। तो देखिए ये सारे वैन में भर के ये प्रसाद उनके घर तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, लेकिन अभी मैं जो जगन्नाथ टेम्पल के एकदम फ्रंट गेट के सामने हूँ, मेरे पीछे ही टेम्पल है देखिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इतना भीड़ में तो अभी मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन यहाँ से आप लोगों को थोड़ा टेम्पल दिखा देती हूँ। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी इधर टेम्पल तो फिलहाल जा नहीं पाऊँगी देखने के लिए, आज एक्चुअली है नहीं किस्मत में दर्शन करना, तो इसीलिए आज दर्शन नहीं कर पाऊँगी। तो कल सब कुछ रख के आऊँगी, कोशिश करूँगी देखने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी मार्केट की तरफ। अभी मार्केट में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बीच साइड में आई हूँ घूमने के लिए, थोड़ा बीच पे बैठूंगी
और उसके बाद मार्केट जाऊंगी। और बीच साइड में भी बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। और एक्चुअली मुझे थोड़ा भूख भी लगा है, तो बीच साइड में अभी थोड़ा चाय और क्या क्या मीठा देखूंगी। पहले तो मैं चाय पीने वाली हूँ, उसके बाद देखती हूँ। मैं जा रही थी तो मेरी नज़र पड़ी ये वाली दुकान पे, फ्रेश मिर्ची पकोड़े तल रहे यहाँ पे। तो ये देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई, यार एक मिर्ची पकोड़ा तो बनता है ना। फिर से डीप फ्राई, अरे बहुत दिन हो गया ऐसी, मतलब डीप फ्राई चीज़ें मैं नहीं खा रही थी, तो आज यार तो बनता है आज, क्योंकि चीट डे है तो सब खाने वाली हूँ एक ही दिन में, बहुत सारा मतलब वेट पुट ऑन करने वाली हूँ मुझे पता है। तो ये वाले चिकन फ्राइड मोमोज को लेके मैं तो समुंदर को अभी करने वाली हूँ एंजॉय। तो अभी जल्दी जल्दी से इसको लेके मैं बीच साइड में बैठ के इसको खाने वाली हूँ और ठंडी ठंडी समुंदर की हवा को भी इंजॉय करने वाली हूँ। देखो यहाँ पे मुझे क्यूटी पाई मिली, तो ये जो है कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, कितना क्यूट सा लग रहा है ना इसको बनाते हुए देखने में। ये इधर कुछ कीला टाइप का कुछ बना रही है शायद, कितना क्यूट लग रहा है यार। अभी चलो थोड़ा आप लोगों को शॉप्स यहाँ का दिखा देती हूँ। ये सारे जो स्टॉल्स देख रहे हैं ना, ये सारे सब बीच साइड शॉप्स हैं, ये समुंदर किनारे एकदम मेन बीच के साइड में। तो बहुत सारा शॉप्स यहाँ पे है, जहाँ पे बीच साइड में ही आप लोगों को छोटी मोटी शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। समुंदर किनारे ऐसे बैठे रहने से टाइम का तो पता बिल्कुल भी नहीं चलता है, कब इतना टाइम हो गया। इतना लेट से बैठी थी मैं वहाँ पे, तो टाइम बहुत बीत गया, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना टाइम तक जो मैं बैठी थी तो मैं थोड़ा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि पूरी के साथ एक्चुअली मेरा बहुत सालों का पुराना रिश्ता है बोल सकते हो, क्योंकि मैं जितना बार भी इसके पहले पूरी आई हूँ मम्मी पापा के साथ, मैं बहुत बार पूरी आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। मम्मी को मैं दोपहर में जब वीडियो कॉल की थी तो वो बोल रही थी कि मैं नहीं हूँ वहाँ पर, तुम अकेली इन्जॉय कर रही हो। तो एक्चुअली बेसिकली इन्जॉय तो मैं कर रही थी, लेकिन बात ये भी है कि पूरी बचपन से जब भी घूमना होता था, कभी भी बहुत सारे जगह में घूमना था, लेकिन कुछ कम टाइम में हम लोगों को कहीं जाना होता है, तो पूरी में बहुत बार मम्मी पापा के साथ आते थे। ये बीच पे बहुत सारे मेमोरीज़ उनके साथ है, तो अभी बीच पे बैठे बैठे वो सारे मेमोरीज़ जो है मैं याद कर रही थी। तो इसीलिए यही सोचते सोचते कब इतना सारा टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। तो अभी तो बहुत सारा लेट हो चुका है, तो मैं थोड़ी सी मार्केट की तरफ जाऊंगी, ज़्यादा टाइम तो मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि होटल भी लौटना है। तो अभी जाऊंगी,
तो आज रात के लिए तो फिलहाल बीच को यहीं पे मैं बाय बाय बोलूँगी और फिर कल सुबह आऊँगी एक बार, तो यहीं से बीच को टाटा बोल देती हूँ। मेरे पीछे आप लोग भी देख लीजिए। तो चलो अभी थोड़ा मार्केट की तरफ जाके, ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं बट थोड़ा घूम लेती हूँ। छोटे मोटे रेगुलर वेयर ज्वेलरी वहाँ पे मिलता है, तो चलिए वहाँ पे थोड़ा जाती हूँ मैं ज्वेलरी देखने के लिए। और अभी तो फिलहाल मैं स्वर्ग द्वार के सामने हूँ, तो आप लोगों को जो स्वर्ग द्वार का मेन गेट है वो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। अभी जो इट्स ऑलरेडी 10:30, तो मुझे दुकान से बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे लेट हो गया था थोड़ा, तो वो लोग बोले कि दीदी कल आओ कि आज हम लोगों का दुकान बंद होने करने का टाइम हो गया, तो कल तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि सुबह ही मुझे वापस जाना है। फिर तो जितना टाइम मिला उतने में मैंने पूरी शॉपिंग की हूँ, तो अभी मैं वापस जाने वाली हूँ होटल। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं थोड़ा बहुत जितना टाइम मिला वो टाइम में थोड़ा बहुत कुछ खरीदी हूँ। तो मैं बस यहाँ से जाने वाली थी, तो मुझे बीच साइड में देखी ये दो यहाँ पे रील बना रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सच धज के ये लोग बीच किनारे रील के लिए आई है। अभी यहाँ से मैं टोटो लूँगी, टोटो लेके फिर होटल की तरफ जाऊँगी। लगभग सारे मार्केट जो है वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, लोग भी जो सारे अपने अपने होटल में वापस जा रहे हैं अभी, और कुछ लोग जो हॉलीडे होम्स में रहते हैं वो लोग अपना जाके खाना बनाते हैं, उसके बाद उनको खाना होता है, तो ऑलरेडी सी बीच एरिया जो है वो थोड़ा खाली हो चुका है। तो चलिए, मेरा आज का दिन जो था लगभग पूरा ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म अभी हुआ नहीं, ख़त्म होने वाला है। तो मार्केट से तो मैं बस अभी आई रूम पे, मैं खाना एक्चुअली लेके आने वाली थी लेकिन सारे शॉप्स में बहुत ज़्यादा भीड़ था, मतलब फूड के जितने भी दुकान थे तो लाइन लगा के खाना लाना पड़ता, तो इसीलिए मैं सीधा होटल चली आई। तो उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ का होटल का रेस्टोरेंट भी है जल्दी बंद हो जाएगा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे कुछ ऑर्डर करना पड़ा। एक्चुअली भूख वैसे मुझे है नहीं कुछ, हाँ क्योंकि बीच में बैठे थोड़ा बहुत चीज़ मैं खा चुकी हूँ, तो इसलिए अभी आके मैं थोड़ा फिश करी, चावल और दाल ऑर्डर दी हूँ। मैं
जब तक कि खाना मेरा रेडी हो गया बन के आए तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। वैसे ठीक ही है कि उनका रेस्टोरेंट बंद नहीं होता तो मुझे जाके अभी खाना होता, तो वो रूम पे दे जाएंगे तो अच्छा है कि जब मुझे भूख लगेगा तब मैं खाऊंगी। और फ्रेश हो जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने जो थोड़ा बहुत जो तो स्टॉल्स पे गई थी आज मार्केट में, तो थोड़ी बहुत जो एक दो चीज़ मैं शॉपिंग की हूँ तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, फ्रेश थोड़ा हो ली हूँ, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। सारा दिन का जो थकावट है, मैं बस अभी सोने से बस मतलब बस बिस्तर में गिरूंगी तो पूरा एकदम सो जाऊंगी। तो जल्दी से अभी मैं डिनर कर लूंगी, लेकिन अभी जितना डिनर मैं मंगवा ली हूँ ना बहुत ज़्यादा है, मैं तो खा के ख़त्म नहीं कर पाऊंगी मुझे लगता है। जो भी हो मैं दिखा देती हूँ मैं जो थोड़ा बहुत शॉपिंग की हूँ। ये वाला एक कुर्ती, जस्ट प्लेन यही वाला प्रिंट है, तो ये वाला एक कुर्ती खरीदी हूँ मैं अपने लिए रेगुलर ऑफिस के लिए। ये भी और एक मेरा जो संबलपुरी प्रिंट बोलते हैं इसको, ऐसा वाला, ये भी एक रेगुलर प्लेन कुर्ती है मेरे ऑफिस यूज़ के लिए। सेम वैसी ही दो कुर्ती मैं मम्मी के लिए रेगुलर वेयर कुर्ती मैं ली हूँ। वैसे मम्मी तो अभी एक्चुअली कुर्ती वगैरह नहीं पहन पा रही है, फिर भी जब वो पहनेगी आई थिंक ये वाला मम्मी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और मम्मी ये दूसरा और एक भी है, ये भी मम्मी के लिए कुर्ती ली हूँ, ये वाला सेम वही संबलपुरी प्रिंट वाला कुर्ती। ये सब कुर्ती जो है रेगुलर वेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसीलिए यही बस दो ठो ये। और मैं खरीदी हूँ ये वाले इयर रिंग्स, तो ये जो मैं शॉप के सामने गई तो ये वहाँ पे रखा हुआ था। और ऐसे मल्टी कलर्ड इयर रिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब आप क्लोथ्स के साथ ऐसे वाले इयर रिंग्स पहन सकते हैं जो कि मतलब मैच हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। और लास्ट ये जो नेकलेस है ये मैंने अपनी मम्मी के लिए खरीदी, ये वाला नेकलेस, वो मतलब कोई भी साड़ी के साथ कुछ कोई भी एथनिक वेयर के साथ या फिर साड़ी के साथ ये पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी, तो ये वाला मम्मी के लिए खरीदी। इसके साथ दो ठो छोटे छोटे इयर रिंग्स भी हैं ऐसे वाले। बस हो गया आज का मेरा शॉपिंग, यहीं तक था। अभी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, बस मैं डिनर करूँगी और सो जाऊँगी। मुझे पता नहीं कितना मैं खा पाऊँगी अभी, क्योंकि मतलब बीच में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा ये वो खा ली थी। देखो भाई साहब, इतना सारा खाना तो मेरे लिए खाना पॉसिबल है नहीं। मच्छी करी, दाल और चावल, भगवान मैं क्या करूँगी इतना खाना का। तो अभी तो मैं सोऊंगी, गुड नाइट, कल सुबह आप लोगों से मिलूंगी फिर से। बाहर जो है बहुत जोर की बारिश हो रही है, पता नहीं कल सुबह वेदर कैसा रहेगा, सुबह वापस भी जाना है और जल्दी उठना भी है, तो अभी तो मैं सो जाती हूँ, फिर कल सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। मॉर्निंग सबको, अभी जो है बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कल रात से एक्चुअली बाहर कंटिन्यू बारिश हो रहा है,
तो मैं तो सोची थी कि आज सुबह सुबह उठ के चेकआउट करके बीच साइड में जाऊंगी, लेकिन पता नहीं वहाँ जाने के बाद पता चलेगा वो क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल चेकआउट करना है। एक्चुअली चेकआउट करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। कल इतना ज़्यादा टायरिंग डे था, मेरा मन तो हो रहा है अभी भी और एक दो घंटा सो लूँ, लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं। मैं ये भी सोची थी कि सुबह जाके थोड़ा सनराइज़ शूट करूँगी, लेकिन बारिश इतना हो रहा है तो सनराइज़ शूट करना तो पॉसिबल भी है नहीं, और मैं उठ ही नहीं पाई वो दूसरी बात है। तो अभी तो बीच साइड जाऊँगी, तो इतना जो मुझे नींद आ रहा है ना उसके लिए मुझे चाहिए एक अदरक वाली कड़क चाय जो मुझे मिलने वाली है बीच में। तो अभी फ़िलहाल तो चलिए चलते हैं बीच साइड में। तो अभी तो फ़िलहाल छाता लेके मैं जा रही हूँ बीच की तरफ, और बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, उतना ज़्यादा अभी तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सोची कि जब थोड़ा थोड़ा बारिश है तो घूम के आती हूँ। चेकआउट मैंने कर ली है, तो उन्होंने बोला जो मेरा जो लगेज है वो रखने देंगे। तो मेरा लगेज मतलब ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस ओनली मेरा लैपटॉप बैग और छोटा सा एक बैग है, तो वो दोनों उनके रिसेप्शन में मैंने रख दिया है। अभी थोड़ा घूम घाम के फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँगी, करके फिर लगेज लेके वापस जाऊँगी। फिलहाल मार्केट की तरफ कुछ ब्रेकफास्ट के लिए मिलेगा तो ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद चलूँगी। एक्चुअली जाने का मन तो बिल्कुल हो नहीं रहा है ये वेदर में ऐसा वाला मुझे छोड़ के जाने के लिए, लेकिन जाना पड़ेगा। बहुत ही कम टाइम लेके मैं आई थी, लेकिन चलो और क्या कर सकते हैं। तो वेदर जो है अचानक से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। गाँव पूरी स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 1।
सोची थी कि बीच से मार्केट की तरफ जाऊंगी, लेकिन वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि और पॉसिबल हुआ नहीं। मैं पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी, उसके बाद मतलब मुझे सर्दी भी लगी थी, तो इसके लिए मैं फिर जाके होटल में और एक बार रिक्वेस्ट करके फिर ड्रेस चेंज की, लेकिन चेंज करके मुझे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि फिर ऑटो में आने के टाइम मैं फिर से मतलब भीग गई हूँ। तो उसके बाद अभी ट्रेन में आके यहाँ से लोकल ट्रेन में मतलब भुवनेश्वर तक जा रही हूँ, पूरी से लोकल ट्रेन में चढ़ के भुवनेश्वर तक जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल आज का ये पूरी ट्रिप तो मेरा ख़त्म बस लगभग होने वाला है। पहली बार जो ऐसा हो रहा हुआ है कि मैं पूजा के टाइम पे मतलब बिल्कुल ही बाहर घूमने के लिए आई हूँ। दुर्गा पूजा मेरे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल एक चीज़ है कि कहीं पे घूमने ना जाऊँ, बस घर में बैठे रहो, लेकिन फिर भी पूजा में मुझे कोलकाता में रहना है, ऐसा वाला एक चीज़ था। तो इसीलिए मैं सोची थी कि अष्टमी के दिन अंजलि नहीं देने जाऊँगी, तो मैं अपना अष्टमी स्पेंड कर दूँगी नहीं जाके। जो भी हो, मिला जुला के लग रहा था खराब क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ नहीं, तो फिर भी ऑल ओवर अच्छा गया। जो भी है, तो अभी चलती हूँ भुवनेश्वर की तरफ, मेरा ट्रिप जो है लगभग ख़त्म होने वाला है। तो अल्टीमेटली मेरा जो ये वन डे पूरी ट्रिप था वो ख़त्म हुआ। आप लोग देख सकते हो भुवनेश्वर का वेदर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब है, सुबह से यहाँ पे भी बारिश हो रहा है। तो मैं स्टेशन पे आके और कैमरा निकाली नहीं, झटपट रूम तक आ गई। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से वो लाल सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना उसको दबा दीजिए, और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए ये व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप लोगों से मैं मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, और किसी भी तरह लाइफ को एंजॉय करना मत भूलिए।